हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज एरर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि फोर्क ऑयल लीक हो रहा है। ये फोर्क ऑयल सील से अगर फोर्क ऑयल लीक होता है तो क्या करना चाहिए हमें, क्या तो भी उपाय है, क्या सिंपल ट्रिक्स है, क्या बताऊंगा। ये फोर्क ऑयल क्यों लीक होता है तो एक गाड़ी, जब आपकी गाड़ी कुछ एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी को यहाँ पर अंदर स्क्रैचेस या बेंड आए तो फोर्क ऑयल लीक होता है। और एक क्या कहते, बारिश हंगामे जब कीचड़ का पानी अंदर घुसता है तो फोर्क ऑयल लीक होता है। और जब गाड़ी को आप वॉश करते हो ना, वो पानी पूरा यहाँ पर रख के धीरे धीरे अंदर जाके फोर्क ऑयल लीक होता है। सो जब भी आप गाड़ी वॉश करते हो तो इमिडिएटली क्लॉथ लेके यहाँ पर दोनों जगह क्लीन कर दो। ये ड्राई रहने से फोर्क ऑयल लीक होने के चांसेस कम होते हैं। अब ये लेफ्ट साइड अगर फोर्क ऑयल लीक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या कर सकते हो तो मैकेनिक के पास गए तो वो मैकेनिक इस फोर्क को निकाल के, अंदर का ऑयल सील निकाल के, नया ऑयल सील डाल के फोर्क ऑयल भर के वापस फिट कर देगा। ये ऑयल सील बदलाने के लिए नियरली 700 रुपीज चार्ज करता है मैकेनिक। अब दोनों फोर्क ऑयल को चार्ज करने में अराउंड 1000 रुपीज ही लगते हैं, क्योंकि लेबर चार्जेस कम हो जाते हैं। अब एक फोर्क ऑयल लीक हो रहा है, आप जाके रिपेयर करें, एक दो महीने के बाद फिर से ये लीक हो रहा है, फिर ये रिपेयर करें, पूरा 700 700 1400 हुआ। अगर आप दोनों एक ही बार रिपेयर ही कराए तो आपको 1000 रुपये में हो जाता है, इससे आपको 400 रुपये की बचत होती है। ओके, अब मुद्दा क्या कहते हो, फोर्क ऑयल लीक होने से कोई प्रॉब्लम है क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फोर्क ऑयल लीक होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गाड़ी को बरतो। ये सस्पेंशन में 10% वेरिएशन आता है, 10% जरा हार्ड दिखता, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये ऑयल कितना लीक होता का तो इसके अंदर सुमार से 400 ml डालते हैं मैकेनिक। सो ये फोर्क ऑयल की लीक होने से आपको मिनिमम 200 ml तक का बाहर निकल जाता है। 200 ml निकल जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। 200 ml के बाद ये फोर्क ऑयल लीक होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब वैसी गाड़ी आप चला सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी राइट साइड का फोर्क ऑयल का बात करें तो ये मेन प्रॉब्लम चीज है। अगर यहाँ से ऑयल लीक होता है तो ये ऑयल टपकता है ना, ये ऑयल धीरे धीरे टपक के इस डिस्क ब्रेक पर पड़ता है। जब डिस्क ब्रेक पर ऑयल गिरता है तो ये स्लिप होने लगता है। अब जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक नहीं गिरेगा। सो कंपल्सरी राइट फोर्क ऑयल अगर लीक होता है तो इमिडिएटली चेंज करना पड़ता है। अब आपके पास बजट कम है, इमिडिएटली कर नहीं सकते, आप कुछ दूसरे कामों में बिजी है तो इसे एक महीना दो महीने के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल टेक्निक करना क्या है तो इस ऑयल का इफेक्ट को नील करना है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह एक क्लॉथ ले लो। आप क्या करते हो तो इस तरह एक 1 फीट का क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ ले लेके इस कॉटन क्लॉथ को यहाँ पर बांधो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा बांधो, इस जगह पर बांधना चाहिए, ऐसा रख के बांधो, इस तरह दो गाठी डाल के बांधो। जब इस तरह तुम बांध देते हो तो क्या होता है तो यहाँ पर जो ऑयल लीक हो रहा ना, वो ऑयल को ये कपड़ा सोख लेता है और टपकने से बचाता है। जब ऑयल पूरा है कपड़े में स्टॉक हो जाता है तो डिस्क ब्रेक पर ऑयल नहीं गिरेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको करना क्या है, सिर्फ 1 फीट का कॉटन क्लॉथ लेकर इस तरह बांधो। अगर इस साइड भी लीक होता है तो इस साइड भी कॉटन क्लॉथ से बांधो, इस तरह बांधो, इस तरह
कॉटन क्लॉथ को इधर भी बांध दिया, इधर भी बांधो। अब क्या होता था तो ऑयल नीचे टपकने से रुक जाता है। अब आपको और एक चीज करना क्या हैगा तो डेली हैम्पर अगर आपको एक्सेस ऑयल दिख रहा है तो डेली आप उस एक्सेस ऑयल को क्लॉथ से क्लीन कर दो, इस तरह क्लॉथ से क्लीन कर दो। बस इस तरह करे तो आप जितने दिन चाहे बगैर ऑयल सील और फोर्क ऑयल बदलाए चला सकते हो, एक महीना दो महीना आपकी मर्जी, कितने दिन चाहे उतने दिन चलाओ। जब आपको टाइम मिला और आपके पास 1000 रुपीज का बजट है तो जाके अच्छी मैकेनिक के पास जाके ऑयल सील और फोर्क ऑयल बदला दो, वापस अपनी गाड़ी कंडीशन में आ जाएगी। ये टेक्निक सिर्फ लाइफ सेविंग है। कई को तो यहाँ ऑयल टपकने से ब्रेक फेल होते हैं, सो ब्रेक फेल होने से बचाने के लिए इस कॉटन क्लॉथ को यूज करो। ये एक सिंपल टेक्निक है, जितने दिन चाहे उतने दिन यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये सिंपल टेक्निक अपनाओ और बेफिक्र अपनी गाड़ी पर आराम से चलाओ। ओके फ्रेंड्स, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।